नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। दोस्तों, भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया है। और दोस्तों, 5 मुकाबलों की T20 सीरीज को 5-0 से क्लीन स्वीप कर लिया और इसके साथ ही दोस्तों कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। तो क्या है वो रिकॉर्ड्स, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 5वें T20 मुकाबले में भी टीम इंडिया के गेंदबाजों और बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर एक बार फिर टीम इंडिया ने मुकाबला जीत लिया और इस जीत के साथ दोस्तों इस सीरीज को भी क्लीन स्वीप कर लिया है। बात करें इस सीरीज की दोस्तों, तो भारतीय टीम की ये पहली क्लीन स्वीप है 5-0 से। इससे पहले टीम इंडिया ने 3-0 से जरूर ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज को उन्हीं के घर में हराया था, लेकिन दोस्तों 5-0 से पहली बार T20 सीरीज अपने नाम की। वहीं पर दोस्तों, इस सीरीज के टॉप खिलाड़ियों की बात करें तो यहाँ पर नंबर 1 पर रहे हैं बल्लेबाजों में KL राहुल, जिन्होंने 5 मुकाबलों में 224 रन बनाए। कोलिन मुंद्रा दूसरे नंबर पर रहे, जिन्हें 178 रन बनाए। तीसरे नंबर पर रॉस टेलर 167, चौथे पर केन विलियम्स 160, पाँचवें पर सुरेश अय्यर 153, छठे पर टीम सेफर्ट 141 और सातवें पर रोहित शर्मा 140 रनों के साथ रहे। तो KL राहुल का प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। वहीं पर गेंदबाजी में शार्दुल ठाकुर 8 विकेट के साथ नंबर 1 पर रहे। दूसरे नंबर पर जसप्रीत बुमराह, तीसरे पर सोडी, चौथे पर हमिस बेनेट, छठे पर रविंदर जडेजा, छठे पर टीम सावधी और सातवें पर युजवेंद्र चहल। तो दोस्तों, यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी की शार्दुल ठाकुर और जसप्रीत बुमराह ने, जो कि नंबर 1 और 2 बने रहे। इसके बाद दोस्तों, 2020 में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो KL राहुल नंबर 1 पर आ चुके हैं, जिन्होंने 11 मुकाबलों की 10 इनिंग में 14 छक्के लगाए हैं। वहीं पर नंबर 2 पर एवन ल्यूस हैं। वहीं पर तीसरे नंबर पर रोहित शर्मा मौजूद है, जो कि 12 छक्के लगा चुके हैं। वहीं पर दोस्तों, T20 में सबसे ज़्यादा अर्धशतक की बात करें तो ये रिकॉर्ड एक बार फिर रोहित शर्मा ने अपने नाम कर लिया और दोस्तों 25 अर्धशतक लगा चुके हैं रोहित शर्मा। उनके पीछे विराट कोहली हैं 24 अर्धशतक के साथ। तो एक बार फिर यहाँ पर इस रेस में नंबर 1 बन चुके हैं रोहित शर्मा, जिन्होंने 25वां अर्धशतक लगाया, जिसमें दोस्तों 4 शतक भी शामिल हैं। वहीं पर दोस्तों, भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने में अब रोहित शर्मा 8वें नंबर पर आ चुके हैं, जिन्होंने शानदार तरीके से 14,000 रन पूरे कर लिए हैं अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो इनका बेहतरीन प्रदर्शन जारी है और उम्मीद करते हैं कि आने वाली वनडे सीरीज और टेस्ट सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाए रोहित शर्मा। तो दोस्तों, ये थे कुछ खास रिकॉर्ड्स जो भारतीय टीम ने अपने नाम किए। तो भारतीय टीम के इस प्रदर्शन के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद।